वाह वाह, सो फास्ट। रुचा, आज सिर्फ कोकिला बेन नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है, या फिर कहें कि विश्व जानना चाहता है कि आखिर आपने कुकर से चने निकाले क्यों, ये बताइए। सो एक्चुअली आप मुझे कुछ दिनों पहले ये पूछती तो मुझे ये बिल्कुल इसका जवाब नहीं आता। हाँ, बट आई थिंक अभी ये क्लिप देखने के बाद मुझे मेरे फैंस ने, लोगों ने एक्चुअल सीन भेजा, तो वो क्लिप्स देखने के बाद मुझे एक्चुअली पता चला कि ये क्यों किया था। आई एम श्योर कि ऐसे जैसे आप लोगों को पता ही था कि राशि का कैरेक्टर ऐसे था कि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे खुराफाते करती थी। सो आई थिंक उसका इंटेंशन यही था कि ये चने निकाल चने कुकर से निकाल दिए, और फिर वो चाहती थी कि शायद गोपी या घर में और किसी को डांट पड़े। आई एम अज्यूमिंग कि वो गोपी ही थी जिसको मैं चाहती थी गोपी को डांट पड़े, लेकिन आई थिंक राशि इसमें पकड़ी जाती है। सो जो राशि हमेशा करती थी गोपी के लिए। Exactly. मेरे पास वो क्लिप भी है जिसमें आपने कुकर से चने निकाले थे। हाँ, तो आपके फैंस ने शायद भेजा है, तो मैंने वो भी डाउनलोड किया है, मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। हाँ, तो ये वो क्लिप है जिसमें आप चने निकाल रही हैं। राइट वाव, सो फास्ट। रुचा, वेलकम टू लेगेसी टेल्स। और आज हम बात करने वाले हैं साथिया की लेगेसी के बारे में। इतने साल बाद भी जिस तरह से साथिया के ऊपर मीम्स बनते हैं, साथिया के बारे में लोग बात करते हैं, इतने ज्यादा उसके जो वीडियो है वो शेयर होते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा, सबसे पहले ये बताइए मुझे, फर्स्ट रिएक्शन, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू सॉ दिस, जब ये आपको किसी ने भेजा होगा? आई थिंक मेरे भाई ने मुझे ये वीडियो भेजा था, एंड मैंने वीडियो एज यूजुअल कि उसने क्या भेजा है करके देखा। आई वॉज लाइक हाँ ठीक है, कुछ समथिंग सिली करके मैंने बंद करके रख दिया। फिर उसने मुझे वापस मैसेज किया कि इट सीम्स ये बहुत ट्रेंड हो रहा है, राशि हैशटैग राशि इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। आई एम लाइक ओके, अभी इसमें ट्रेंड होने वाली क्या बात है। तो मैंने वापस चेक किया तो वो वीडियो क्या था। सो तब मैंने एक्चुअली ऐसे ठीक से देखा, तब आई रियलाइज कि ओके जो म्यूजिक कंपोजर है उन्होंने वो कुछ म्यूजिक बीट्स वगैरह ऐसे कुछ हटके देके वो रैप रिमिक्स करके बनाया है। सो आई वाज लाइक ओके ठीक है, इट्स लिटिल क्रिएटिव। ओके, तो साथिया की यादें ताजा करने के लिए कुछ मैंने सवाल तैयार किए हैं, रैपिड फायर राउंड, लेट्स स्टार्ट। सेट पर सबसे ज्यादा कौन सोता था? कौन सोता था? हाँ, विशाल मेरे जिगर जी सबसे ज्यादा सोते थे सेट पे। मुझे लगा था कि ये विशाल ही होगा क्योंकि वो रात को पार्टी करता था, फिर वो सेट पे आके सोता था। हाँ, ही इज अ पार्टी एनिमल। हुआ तो सेट पर मेकअप रूम में किसको सबसे ज्यादा टाइम लगता था? आई थिंक देवोलीना। देवोलीना को? ओके ओके। सबसे ज्यादा सेल्फी और पिक्चर्स कौन क्लिक करता था सेट पर? विशाल सिंह, मेरे जिगर जी। विशाल दो में नंबर वन है। हाँ, आई हैव टू शो दैट, आई हैव टू सेंड हिम दिस क्लिप। विशाल को मैं ये क्लिप भेजने वाली हूँ। वैसे बेस सबसे बेसुरा कौन गाता था सेट पर? मैंने कभी गाने की कोशिश ही नहीं की थी, बट अगर ऐसा मतलब अगर इफ आई हैव टू पिक समबडी इट विल बी मी, अगर मैंने कभी गाया हुआ तो। पैकअप के बाद सबसे जल्दी घर कौन भागता था? मैं, बट एक्चुअली एवरीबडी, बट फिर भी मतलब मैं और हेतल जी। ये अभी आप लोग साथिया के जितनी भी टीम है, आई एम श्योर कि सब लोग कनेक्टेड होंगे व्हाट्सएप ग्रुप और जो भी है सोशल मीडिया से, तो क्या रिएक्शन था फर्स्ट जब सडनली जब साथिया और ट्रेंड करने लगा? और आपने देखा होगा कि ना सिर्फ जनरल पब्लिक थे उनके रिएक्शन से, बल्कि पॉलिटिकल सर्कल से भी रिएक्शन आने लगे, उसमें कुछ 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 आने लगा, तो क्या रिएक्शन था पहला साथिया की टीम का? मुझे एक्चुअली नाज ने भेजा था कोई एक मीम, सो तब मैंने देखा था कि अच्छा ये सब हो रहा है एंड मीम्स हो रहे हैं हमारे, वो क्लिप बहुत पॉपुलर हो गई है एंड ऑल दैट। सो तब वी हैड अ वेरी हार्टी लाफ, मतलब हम लोग
ऑल्दो हमारे लिए विद साथिया वी हैव बीन नंबर वन शो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड साथिया हैज बीन फाइव इयर्स यू वर नंबर वन ना आई थिंक फाइव टू सिक्स इयर्स नंबर सो हमारा एनीवे शो इज वेरी वेरी यूनिक राइट सो आई थिंक कुछ ना कुछ लाइक यू सेड कि ट्रेंडिंग का ये आजकल ज्यादा होने लगा है राइट बट हमारे टाइम पे भी कुछ ना कुछ ऐसे क्लिप्स उठाते थे या ऐसे कुछ एपिसोड्स इतने फेमस हो जाते थे सो वी वर प्रिटी यूज्ड टू यू नो हैविंग आवर सीन्स गेटिंग ट्रेंडिंग और यू नो बिकॉज व्हाट्सएप पे चलते थे तभी ज्यादा यू नो बट अभी आई थिंक इट्स मोर दैट कि बिकॉज ऑफ ये जो म्यूजिक वीडियो इतना पॉपुलर होता है सो आई थिंक इसके वजह से जो नॉन टेलीविजन के जो नॉन व्यूअर्स थे उनको भी अब साथिया के बारे में पता चल गया जो हाँ एग्जैक्टली साथिया का वो जो फेमस एक और सीन जो बहुत अक्सर ही ट्रेंड करने लगता है वो लैपटॉप वाला जिसमें वो गोपी बहू पानी करेक्ट 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 लैपटॉप सीन हमारा एक बहुत पॉपुलर है आचार सीन हमारा एक पॉपुलर है अभी ये मैंने कुछ और मीम्स कलेक्ट किए हैं सोशल मीडिया से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आपके रिएक्शंस और आई थिंक आपने सब देख लिया होगा कुछ नया नहीं होगा आपके लिए लेकिन फिर भी चैनल नहीं निकाले होते करेक्ट बट आई थिंक अच्छा हुआ उस दिन चने आई थिंक अच्छा हुआ आपने चने निकाले तभी तो इतने साल बाद आप ट्रेंड कर रही है फिर से सो आई थिंक हमारे लिए ये मतलब चने कुकर से निकालना या राशि कैरेक्टर के लिए ये सारी खुराफातें तो मतलब ऐसे ऐसे मैंने 1000 की होंगी ऐसे क्रेजी कंटेंट लिखा जाता था सो आई थिंक ऐसी खुराफातें तो बहुत सारी मिली बहुत सारी है हाँ क्रेडिट राइटर को जाना चाहिए जिसने राशि से ऐसे ऐसे काम करवाए एब्सोल्युटली हमारे स्टोरी राइटर्स गेट ऑल द क्रेडिट तो रुचा एक और है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मुझे बहुत फनी लगा जितना ओरिजिनल है बिल्कुल वैसा ही तो मैं उसको प्ले कर रही हूँ ओके कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं ये वाला मैंने देखा है अपने आप को देखिए आप इसने राजनीति में कौन था आई वाज शॉक्ड तुम थी बट ही इज डन अ गुड जॉब तुम थी कौन था तो राशि बेन इन सब एक वीडियो आया राशि बेन ट्रेंड करने लगी उसके बाद कितने लोगों ने उसके ऊपर मीम्स बनाए कितने लोगों ने वीडियो बनाया अभी तक छोड़ा नहीं है अभी तक भी लोग उसके ऊपर बना रहे हैं मीम्स चल ही रहा है एग्जैक्टली अच्छा लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू आप माँ बनी है दिसंबर में ऐसे तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है लेकिन लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू और लेट मी टेल यू दैट मदरहुड हैज ब्रॉट ग्लो ऑन योर फेस आप बहुत सुंदर लग रही है माँ बनने के बाद आप और ज्यादा सुंदर लग रही है थैंक यू तो कैसे आप ये जो पूरा 5-5.5 साल था आपने ब्रेक लिया शादी की आप माँ बनी तो क्या कुछ मतलब इसमें आपने ऑब्वियसली एक्टिंग मिस की होगी कैसा लगता था एक्टिंग से दूर रहना कैमरा लाइट्स इन सब से दूर रहना एक्चुअली मेरे लिए इतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था मतलब मैंने जब एक्टिंग आई हैव टेकन अप एक्टिंग तब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था क्योंकि मुझे इसी में करियर बनाना है या यू नो ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ माय हॉबी एंड ऑफ कोर्स मैं एक्टिंग करना हमेशा ही बहुत पसंद करती थी तो इट जस्ट हैपेंड तो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने इतने अच्छे रिलेशनशिप्स इतने सारे दोस्त बनाए हमारा साथिया का परिवार थैंकफुली यू नो वी ऑल बीन सो टुगेदर इतने साल हो गए फिर भी हम लोग अभी भी उतने ही टच में हैं वी आर ऑल लाइक वेरी वेरी कनेक्टेड सो मैं उनको तो मतलब रोज सेट पे रहना मिस करती ही थी वो एक ही चीज थी आई थिंक जो मैं मतलब सबसे ज्यादा मिस करती थी सबके साथ रहना है हम पूरा परिवार जैसे दिन भर साथ में रहा करते थे सो वो एक था बट रेस्ट आई डोंट थिंक इट वाज एनीथिंग दैट आई रियली मिस्ड बिकॉज बहुत साल हो गए थे हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया था मतलब नॉन स्टॉप हम आई थिंक कितने साल ही काम कर रहे थे तो मतलब आई थिंक वो एक बहुत ही वेल डिजर्व्ड ब्रेक था मेरे लिए एंड उसके बाद भी मैंने कुछ 6 महीने ब्रेक लेके रेस्ट किया चिल किया आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली फिर मैंने शादी की फिर राहुल के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया फिर मैंने राहुल का ऑफिस ज्वाइन कर लिया सो आई थिंक आई हैव बीन वेरी बिजी डूइंग यू नो लाइक कुछ ना कुछ मतलब नॉन स्टॉप चल ही रहा था एंड अभी रिसेंटली रूही के पहले वी वर वर्किंग ऑन अ बिजनेस आइडिया बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेक अ ब्रेक एंड यू नो थोड़ा आई वॉन्टेड टू एंजॉय दिस फेज ऑल्सो विथ रूही सो आई थिंक वो सब धीरे 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 अभी यू नो आई एम जस्ट गेटिंग यूज टू इट बिकॉज राइट नाउ सिर्फ रूही के पीछे भागना हो रहा है मेरा बस एंड दैट इज माई ओनली प्रायोरिटी राइट नाउ
Yes, exactly. Motherhood is a full-time job. Once an actor, always an actor. तो कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि वापस आना है, थोड़ा बेबी बड़ा हो जाए, और तो ऐसा है क्या कुछ दिमाग में? I honestly, मैंने जब साथिया छोड़ा था तब मेरे दिमाग में ऐसे नहीं था कि okay, मैं immediately कोई नया शो लूंगी या थोड़े दिनों बाद लूंगी. फिलहाल के लिए तो इट्स नॉट ऑन माय माइंड, बट मतलब मुझे हमेशा लगता है कि यू नेवर से नेवर, यू नो. अगर तुम्हारे नसीब में लिखा ही है कोई नया कैरेक्टर और कोई कैरेक्टर करना, तो आई थिंक वो आने ही वाला है. बट आई एम जस्ट कीपिंग माय ऑप्शंस ओपन. आई जस्ट फील कि ऐसा कोई कैरेक्टर आए जो मुझे, जो मैं ना कह ही नहीं पाऊं, तो प्रोबेबली आई विल जस्ट यू नो कम बैक. मतलब मुझे ऐसे कुछ चाहिए जो इफ आई एम गोइंग टू कम बैक, मतलब रूही को छोड़ के या यू नो if I'm going to do anything, so it has to be worth my time. But show छोड़ने के बाद आपको offers तो बहुत आए होंगे रुचा, मतलब साथिया छोड़ने के बाद बहुत offers आए थे, I think मैंने जहाँ तक सुना. Yeah, I've been very blessed, you know, because मतलब मैंने तभी भी reveal किया था that of course I'm not interested in acting anymore, and you know immediately I'm not going to take up anything. But फिर भी people were so nice and so kind enough to फिर भी you know offer me roles, and it's just like still get in touch and ask, you know, ma'am, अभी आपका अभी हनीमून हो गया तो आप ज्वाइन कीजिए. अभी so how did you spend these 5-6 months of lockdown? आप शिफ्ट हो गए, हमने सुना आपने फार्म हाउस में. सो वो हमारे लिए बहुत बहुत ही अच्छी चीज रही है कि राहुल को भी इतना टाइम स्पेंड करने मिला रूही के साथ. सो वी बीन टुगेदर एज अ फैमिली एंड बहुत ज्यादा मजा आया, यू नो. सो वी वर डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, कुकिंग एंड क्लीनिंग एंड रनिंग बिहाइंड रूही एंड डूइंग हर, मतलब राहुल को हर एक मतलब उसकी चीज पता चल गई इतनी डिटेल में. सो राहुल इज ऑल्सो कम्प्लीट हैंड्स ऑन डैड, यू नो. सो वो भी मतलब अगर मैं नहीं हूँ तो ही इज माई परफेक्ट रिप्लेसमेंट. इसमें ये 5 मंथ जो थे, यू नो, पीपल आई सॉ दे वर पोस्टिंग सो मेनी कुकिंग वीडियोस एंड सब कभी ये लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दिन भर जो है लोग सिर्फ खाना ही बना रहे हैं. आपने आपने क्या क्या बनाया खास ये 4-5 महीने में? बहुत, मैंने आई थिंक पहले 1.5-2 महीने तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेटिव चीजें जो मैंने कभी लाइफ में कभी कुक नहीं की थी, तो वो सारी चीजें हमने बनाई थी. तो आई हैड अ लॉट ऑफ फन, मतलब सब कुछ ट्राई किया हमने. मतलब मैंने चाइनीज कभी लाइफ में नहीं बनाया, तो चाइनीज बनाया, इटालियन बनाया, मेक्सिकन बनाया था, फिर मुगलाई मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो मुगलाई तो आई थिंक एवरीथिंग वी मेड. थाई आई मेड अ लॉट. थाई कुजीन तो मतलब जाते मैं आपको एक लास्ट दिखा देना चाहती हूँ जो इंडिया से एक्चुअली नहीं है, इंडिया के बाहर से है. अच्छा, मैं था करेक्ट. इंडिया डिजाइन पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड कर रहा था. हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल व्हेन आई स्टार्टेड द इंटरव्यू उसी समय मैंने बोला कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया से ये दुनिया जानना चाह रही है कि आखिर आपने क्यों निकाले. तो इसमें जैसे कि मैंने बताया तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड कर रहा है, और शायद हमने, मैंने और ज्यादा चेक नहीं किया, हो सकता है जो आपके, आई थिंक आपके फैंस इंडोनेशिया और इन सारे जगह पे भी है, तो वहाँ पे भी. Well, actually, like you know, साथिया, I think we are one of the most unique shows, you know, जो कभी भी, 11 साल हो गए चालू होके, बट अभी भी we are still there on TV. Saplus पे खत्म हो गया, फिर स्टार उत्सव picked it up, वहाँ पे 2 reruns हो गए, अब वापस क्वारंटीन में वापस Saplus पे है. So we've had a fan following who's been joining our team for like from everywhere now. Turkey में है बहुत सारे fans. So thank you so much, Rucha. It was wonderful talking to you. और राशि बहन की देखते हैं आगे अब कौन सी नई शरारत जो है नेक्स्ट ट्रेंड करती है, एंड देन हम आपसे फिर से बात करेंगे. टिल देन एंजॉय योर मदरहुड, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय.